ऑलराइट गाइज, मेरा नाम है अंश, एके मिस्टर पैलेस, और आज की वीडियो में मैं हीरो ब्रांड बनके डिफीट करने वाला हूँ काफी सारे खतरनाक मॉब्स को। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं फाइट करने वाला हूँ एक ऐसे बॉस से जिसे देख के अच्छे अच्छे एंटिटीज पीछे हट जाते हैं। सो रूल्स आर सिंपल, टोटल 5 राउंड्स होंगे और हर राउंड में मुझे काफी सारे मॉब से लड़ना होगा, और हर एक राउंड के अंदर एक दूसरा बॉस होने वाला है जिसे मार के हम पहुंचेंगे अगले राउंड में। और साथ ही साथ हर राउंड में मेरे को कुछ ना कुछ नए पावरफुल वेपन्स भी मिलते जाएंगे। सो रूल्स मैंने समझा दिए हैं, सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। ओके, सो पहले राउंड में मुझे मिला है एक पूरा डायमंड आर्मर, और आर्मर पहनने से ही मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लग गया है। और ऊपर से ये जो स्पीयर है ये मेरे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा मॉब से लड़ने में, क्योंकि स्पीयर जो है वो काफी ज्यादा वाइड एरिया में डैमेज करता है। ओके, सो हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे पिलेजर टाइप मॉन्स्टर दिख रहे हैं। देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, पर भाई मैं तो इन्हें काफी ज्यादा इजीली वन हिट कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई एफर्ट ही नहीं लगाना। और इसी के साथ लास्ट वाले भी मैंने मार दिया, कुछ शीप्स को भी मार देता हूँ फॉर टाइम पास। और अब बस मेरे को इस राउंड के जो है बॉस को ढूंढना है। एक मिनट, कहीं ये वो तो नहीं है? हाँ लग तो रहा है। ओ वेट भाई, ये तो जाग गया। ओके, सो ये इवोकर टाइप कुछ अटैक कर रहा है और इसका 2 स्लैशेस में काम खत्म, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। एक मिनट, इसने कुछ ड्रॉप भी किया है, वॉइड कोर, रुको इसे यूज करके देखता हूँ। ओ तो अब मैं भी जो है इवोकर वाला अटैक कर सकता हूँ, सही है भाई। ओके, सो ये था इस राउंड के लिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में। सो राउंड 2 में हमारे पास आ चुका है इंचेंटेड डायमंड आर्मर और एक बो जिसके साथ हैं थोड़े से एरोज और एक शील्ड भी। ऑलराइट, सो लेट्स सी अब हमें किससे मारना है। ओके, सो यहाँ बहुत सारे गोलम्स हैं, और ये क्या है भाई, ये जरूर होगा एंड डायमेंशन का बॉस है। इधर आ इधर आ। ओ भाई इसके पंचेस में तो पावर है भाई। ये ले मेरा इवोकर अटैक भाई, मुकाबला टक्कर का है। ये ले एरोस का। ओ ओ शिट, इस पे एरोस का असर नहीं हुआ। ये ले और एरो खा। एक मिनट, ये मर गया क्या? ओ फाइनली भाई, और इसने भी कुछ ड्रॉप किया है, गॉन्टलेट ऑफ गार्ड। ओ भाई, इसे देख के मन में एक जोक आया, लेकिन अभी मैं मार नहीं सकता क्योंकि ये फैमिली फ्रेंडली चैनल है। इसे यूज कैसे करते हैं? ओ वेट, अच्छा तो इससे मैं मॉब्स को अपने पास खींच सकता हूँ। चलो अब इन जो बचे कुछ गोलम से इन्हें मार के राउंड को खत्म किया जाए। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, और इस राउंड में मेरे को मिलते हैं थोड़े अच्छे वाले बूट्स, भाई महंगे लग रहे हैं यार, और थोड़े से पोशन ऑफ स्विफ्टनेस, पता नहीं इनका क्या करना है। बाकी ये बूट्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे जो भी कहो। सो बाहर चल के देखते हैं, और ओ भाई इतने सारे ब्लेजेस, बस भाई गेम लैग कर रहा है मेरा भाई, कुछ ज्यादा ही है यहाँ तो। रुको इन्हें अपने पास बुलाता हूँ। ओ भाई सही में कुछ ज्यादा ही है यहाँ पर, भाई देखो कितना औसम नजारा लग रहा है ना बिल्कुल जब मैं इन्हें मार रहा हूँ तब। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट भाई यहाँ पर, भाई एक घंटा लग जाएगा इन सबको ऐसे मारने में तो। भाई सही में यार ये गॉन्टलेट काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है मेरी, पर ऐसे कब तक मैं इन्हें मारता रहूंगा। एक मिनट, मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया है, आओ सारे के सारे मेरे पास आओ, तो सबको मैं पानी में लेके जाता हूँ। ये आइडिया मेरे को पहले क्यों नहीं आया भाई। ओ ग्रेट, या तड़पो सबके सब, तड़प तड़प के मरो। ग्रेट भाई, इजिली मर गए सबके सब। अब बस 2 बॉसेस को ढूंढना है, क्योंकि इस राउंड में एक्चुअली एक नहीं 2 बॉसेज हैं। ऑलराइट, पहला बॉस तो मेरे को मिल चुका है। शिट, इसने मेरे को फ्रीज कर दिया। अरे भाई ये तो डॉज भी कर लेता है अटैक्स। अरे भाई मैं फिर से फ्रीज हो गया। भाई ये तो मेरे को ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। रुक, मेरे पास आ और ये ले। ग्रेट, लगता है ये मर गया। और अब चलते हैं दूसरे बॉस को ढूंढने। सो ये रहा हमारा दूसरा बॉस, इसे अपने पास बुलाता हूँ। ओ भाई ये तो धरती हिला रहा है। ओके तो मैं समझ गया, इस पर तब अटैक करना चाहिए जब ये लेटा हुआ हो। और फाइनली ये भी गया, और इसने एक हैमर ड्रॉप किया है बहुत बड़ा सा, वैसे इसका डैमेज ज़्यादा नहीं है। सो या ये था इस राउंड के लिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट राउंड की तरफ। सो इस राउंड में मुझे मिलता है एक नेदराइट आर्मर। सो अब नया आर्मर जो है पहनने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हीरो ब्रांड जो है अपना वो हैलोवीन पार्टी के लिए रेडी हो गया है। ओके लेट्स सी अब किस किस से लड़ना है। एंड हे भाई ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, इतने सारे भूत प्रेत। शिट यार, तगड़ा नॉक बैक है इनका। अरे आइडिया आया यार, जैसे ब्लेजेस को मैंने पानी से मारा था वैसे इन सबको मैं लावा से नहीं मार सकता क्या? आज तो भाई फुल बिग ब्रेन टाइम चल रहा है मेरा। और फिर से इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और अब चलते हैं बॉस को ढूंढने। वो खड़ा है शायद। ग्रेट भाई, लेकिन तेरे फैंग्स का कोई असर नहीं हो रहा मेरे पे। ओ भाई तो गायब हो गया। अच्छा तो ये सब इल्यूजन है, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही रियल है। भाई ये भी गायब हो गया, कोई बचा नहीं है अब तो। मुझे लगता है मैं जीत गया आई गेस। तो ये था इस राउंड के लिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट राउंड में, और अगला राउंड होने वाला है हमारा फाइनल राउंड। तो फिर अपनी जो है सीट बेल्ट पहन के बैठ जाओ। बाय द वे ये देखो मेरे को नया आर्मर मिला, और अब मैं इसे पहनने के बाद एक मैजिशियन लग रहा हूँ। सो मुझे मिला एक हेलमेट और एक शील्ड। बाप रे, इस हेलमेट में दिखेगा कैसे? और रही बात शील्ड की, तो इसमें एक स्पेशल अटैक है और ये है एक रैम अटैक,
और इससे जो है हमारा प्लेयर एक डैश मारता है जिससे आने वाले कोई भी सामने मॉब खड़ा उसे डैमेज मिलता है। ओ भाई यहाँ पे तो मेरे को फेरस ब्रोगनोट से लड़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लगने वाला है। सो तुम लोग बोर ना हो तो मैं एक छोटा सा टाइम लैप्स डाल देता हूँ। और अब क्योंकि फेरस ब्रोगनोट्स मर चुके हैं, अब बारी है इग्निस से लड़ने की। वो आ रहा है भाई इग्निस। शेट, जंप अटैक मार रहा है ये तो। अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं खड़ा था। ओ शिट भाई कलर बदल रहा है ये, मतलब इसकी आधी हेल्थ मैंने खा ली है। रुको भाई इसे मैं पूरा ही मार देता हूँ। ओके लास्ट स्विंग, ये ही। सो ऐसे मैंने हीरो ब्रांड बनकर डिफीट किए काफी सारे अलग अलग टाइप के मॉब्स को माइनक्राफ्ट के अंदर। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर जो है एंड स्क्रीन में आई मेरी 99 ओकुलस वाली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। अभी के अभी उस वीडियो पे क्लिक करो और जाके देख के आओ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल को सपोर्ट दिखाना है तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। और मैं ऐसी एक और ऑसम वीडियो के साथ मिलूंगा कल, तब तक लिए स्टे ट्यून्ड।